मैंने क्या कह दी थी, मैंने केला खाता थी मम्मी, मैं चार तक मान गई। ये सब हो रही आपको ना, इधर आओ मामा, इधर हम दोनों बात करेंगे। और ना मम्मा को इधर जाओ, नहीं उधर मैं नहीं रहूंगी, इधर ही रहूंगी। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? ऐसा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, सोनम पांडे ब्लॉग्स में। तो अभी आज इसकी छुट्टी है, आज ये मेरे साथ मस्ती करेगा। और क्या खाना मेरा बन गया है, अभी पति देव मेरे ऑफिस नहीं गए हैं, तो पति देव जाएंगे ऑफिस, उनका लंच में पैक कर दी हूँ, बस वो नाश्ता करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। और देवाय आज घर पे रहेगा मम्मा के साथ में, पढ़ाई करेगा। और ये ना मेरे से बात करेगा और मेरे साथ थोड़ा हेल्प करेगा और बड़े अच्छे से पढ़ाई करेगा। बंदी बात ढंग से खड़े हो जाओ। और उसके बाद क्या बताऊँ, आज मैं अपने लिए कुछ लेके आई हूँ, आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। आप लोग ऐसे मेरी वीडियो में बने रहो, क्योंकि आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हो। क्या गलती है, क्यों आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है, तो प्लीज आप कमेंट करके तो बताओ, तभी तो पता चलेगा। तो और देवा अब इसके सर पे ऐसे पैर पहना दूंगी, जा नहीं रहा है। अच्छा, बहुत छोटा है। तो अभी काम तो वैसे पूरा पड़ा हुआ है, काम बस इनका जो काम था खाना बनाना, सिलेंडर की वो गैस निकलती है, और सब काम हो गया है बस बस। और क्या बताऊँ, कल मेरा गुरुवार था, गुरुवार संडे मंडे ओ निमोता भाई, वो भाई ऐसा रहते है ना। हाँ बोलो बोलो। अरे निमोत होते ना, और ये वो तो ऑर्डर कर दिया, संडे आता है वो तो संडे भी आता है। चाहिए तो ये ऐसे ही होता रहता है, इसको चाहिए। मम्मी पापा इसके बाहर ना बनाते रहते, ऑनलाइन मंगवाए, वहां नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, ऐसे ऐसे करते करते। और ना मम्मा चाय बना दी, चाय और ना हम लोग पियेंगे अगर हम लोग, और ना मतलब बहुत ज्यादा चाय डालिए, और ये भी हाँ ब्रश करने जा रही हूँ। आप लोग अच्छे बने रहो। देवाय को सच में आज मैं बहुत मारूंगी, ये चीज समझ लो, आज मैं इतना मारूंगी इसको कि देखना, आज इसकी पिटाई करूंगी, क्योंकि इसे पढ़ाई नहीं करना होता है ना, इसीलिए इसकी आज मैं पिटाई करूंगी, बहुत अच्छे से पिटाई करूंगी। अभी क्या? हाँ आज करूंगी पापा, मामा बोले अच्छे से पिटाई करूंगी। आप पढ़ाई करोगे? पक्का पक्का पक्का। शिकायत नहीं आएगी ना मुझे? मैं तो जल्दी ट्यूशन में जल्दी लिखा था। ट्यूशन में नहीं, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ देवाय। स्कूल या फिर ऐसे वावे पीछे से कोई मतलब नहीं होता मैडम। पीछे होता है यार, सही बता रहा हूँ, सब में दिखाई दे रहा था, सब नहीं दिखाई दे रहा था। मैं मैडम से कल बात की थी तो बोली कि जो है मैं इसको आगे भी बैठाती हूँ तो ये लिखता नहीं है, आप इसको कहो कुछ करो, आप बताओ। ये लड़ाई करता है सब बच्चों के साथ में। क्या मैडम झूठ नहीं बोलती, आप झूठ बोलते हो। मैं झूठ बोलता हूँ ना, ऐसे बांध बांध के चलोगी, ऐसे ऐसे फिर ना खाने। तो मैं ब्रश कर लूँ, फिर उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो मैं चल रही हूँ दुकान पे, ऑफिस चले गए हैं, तो मुझे जुकाम हो गई है। अंकल
इसके नमकीन दे दो वो खट्टा मीठा वाली। और बस 40 का और लो, क्या लोगे? और कुछ नहीं चाहिए। एक ही दिन में इतना खाऊंगी तो कहाँ रहूंगी। तो मैं नमकीन ले ली हूँ 10 की, क्योंकि हम इतने बड़े आदमी नहीं है, गरीब लेडी हूँ मैं। अंकल ना ऐसे बोलता है जैसे लगता है वो अगर उसको खुली दो उतना ही पैसा दो तो ठीक है, नहीं तो कहेगा इतना बच रहा है इसका भी पूछ और ले लो। दुकान वाले ऐसे ही करते हैं। तो मैं आ गई मैं अपने घर। आओ आप लोग भी चाय पी लो, अभी मैं चाय लेके आई हूँ और क्या कहते हैं ये नमकीन भी लेके आई हूँ, तो आप लोग भी आओ चाय पी लो। मैं वीडियो खोलो अभी तो मम्मी की वीडियो सब करेगा, वीडियो पैसा आएगा तो आएगा, बोले कहाँ आएगा वो ना बैठिया क्या चार्ज करना पड़ेगा वे कहाँ इधर आ जाओ कहाँ कहीं बैठी है ही नहीं चार्ज करना पड़ेगा इसको, सिर्फ खिलौना चाहिए इसको, पढ़ने में मन नहीं लगता। मामा तुम वीडियो बनाओगे ना आएगा ना वो ना मेरी कार भी आएगी। सौरभ जोशी का ब्लॉग देखता हूँ और ना कार आ जाएगा मैं मोटो चौक एक एक ऐसे नहीं आएगा। जब आप पढ़ाई करोगे बड़े आदमी बन जाओगे तो पैसा आप खुद कमाओगे। खुद हाँ हम दोनों हम नहीं कमाएंगे आप कमाओगे। इतना तो कपड़ा निकला हुआ है इसमें सिर्फ माँ बेटे का, मेरा एक सेट ये है सूट है और ये स्वेटर है, बाकी इसका यूनिफॉर्म है केवल, घर का कपड़ा एक भी नहीं, यूनिफॉर्म है। अब इसको गर्म पानी में भिगोऊंगी, हाथ से धुलना है, हाथ में पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है इससे फोड़ा निकल आया है, इतना ज्यादा दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या है, सीट पकड़ा है क्या है भगवान जाने। अब उसके बाद अभी पांडे का कपड़ा इसमें एक भी नहीं है, पांडे का कपड़ा कल निकलेगा, कल जब ऑफिस रहेंगे कल उनकी छुट्टी रहेगी, कल रहेंगे तो उनका कपड़ा धुलूंगी, आज इतना मैं साफ करूंगी फिर कल साफ करना पड़ेगा। और उसके बाद इसकी छुट्टी है, ये तो 2-3 दिन की इसकी छुट्टी हो गई क्योंकि सर्दी काफी पड़ने लगी है, तो अभी मैं इसको गर्म पानी में भिगो के फिर उसके बाद घर का काम खत्म करके तब इसको धुलूंगी और फिर नहाऊंगी इसको, नहलाऊंगी फिर इसको पढ़ाऊंगी। अब आप लोग को जो मैं लेके आई हूँ वो चीज आपको दिखाऊंगी, आप लोग बताना कमेंट करके कि कैसा है, और इसे बताओ ये इसको मारती इसीलिए हूँ ये उसमें चिम्मच डाल के उसमें चाय पी रहा है। अभी अगर गिरा ना तो सुन लो, इतना समझ लो मैं मारना शुरू करूंगी बंद नहीं करूंगी, ये चीज नोट कर लो। क्यों ना मना करेंगे उससे मत पियो, उससे कोई चाय पीता है तो फिर क्यों करते हो आप, सुनाई नहीं देता, एक बार बोल दो ना तुरंत सुन लिया करो, मैं चाटे से मारूंगी। ये ना आए दिन ये ही करता है, इसको कोई चीज बोलो ना वो वही करेगा, फिर इतना गुस्सा आता है ना कि जो चीज हाथ में रहे उसी से मार दूं, ऐसे स्कूल में भी करता है ये बदतमीजी। दोबारा मंडे से अगर मुझे कोई कंप्लेन मिली ना तो मैं सच बता दे रही हूँ देवा आके ना वही पे मारूंगी तुमको, क्योंकि तुम समझाने के नहीं हो, कहते बात समझ में नहीं आती ना, हाथ से ही समझते हो आप, हाथ से नहीं डंडा से, हाँ डंडा से ही समझते हो बस। इसको बकैती ना बहुत आती है, बकैती करने के लिए बोल दो तो बड़ी बड़ी बातें बोलता है, और उसको कुछ नहीं करना पढ़ाई के नाम पे तो कहो ही मत, इसको मुर्गा बना के मारूंगी। अब इसका ऐसे देखोगे ना पागल हो जाओगे, ऐसे ऐसे बोलता है। चलो ठीक है, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।
मैं आप लोग को फाइनल मेरा सारा काम हो गया है, हम एक दूसरे हो गई हूँ, देवाई पढ़ाई कर रहा है और मैं कल अपने लिए क्या लेके आई इनसे समझ लो, जिद करके कुछ करके कभी आज तक मैं नहीं की हूँ कि ये माने हैं और तब मैं जाके खरीद पाई हूँ, नहीं तो ये नहीं लेने देते क्योंकि हम लोग नहीं पहनते हैं। तो अपने लिए क्या लेके आऊँ आप लोग को दिखाती हूँ। मैं आज तक कभी नहीं पहनी हूँ, फर्स्ट टाइम पहनने जा रही हूँ क्योंकि ये ना बहुत डांटते हैं, कहते हैं ये सब मत पहनो। ये ऊपर का टॉप है, ये सर्दियों वाला ये है और इसका लोअर है, ये इतना कहने पे जाके अभी आप लोग को पहन के दिखाती हूँ, आप लोग बताना कैसे लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बताना कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसको मैं घर में ही पहनूंगी, बाहर नहीं जाऊंगी क्योंकि मना कर रहे हैं, बहुत डांट रहे थे, कह रहे थे मतले। मैंने कहा नहीं, मैं लूंगी सवेरी से पहनती हूँ, मैं भी पहनूंगी, मुझे बाहर नहीं निकलना, मैं घर में ही पहन के रहूंगी क्योंकि बाहर के लिए मैं सूट पहनूंगी। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इतना जिद करने के बाद जाके तब हमको ये खरीदे हैं ये पहनने के लिए, बाकी अलाउ नहीं है। मैं सूट ही पहनती हूँ, मैं गाँव की रहने वाली हूँ तो ज्यादातर मैं सूट में वहां भी रहती थी और यहाँ भी जब से इनके साथ में आई हूँ तब से यही सब सूट के अलावा, बाकी साड़ी, और गांव जाती हूँ तो साड़ी पहनती हूँ, यहाँ हूँ तो सूट पहनती हूँ। और अब तो ये जिद में बहुत अच्छी लग रही हो, तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।